नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी में सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी, राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। केंद्र सरकार ने एमपी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 4,892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार ने यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पास होने के बाद केंद्र को भेजा था। एमपी में गौवंश के लिए बनेंगे गौ वन्य विहार, एक ही जगह 20,000 गायों के चारे पानी शेड का इंतजाम होगा। मध्य प्रदेश सरकार बेसहारा गौवंश के लिए गौ वन्य विहार बनाने जा रही है। ये वन्य विहार जिलों में उपलब्ध सरकारी जमीन पर बनाए जाएंगे। पशुपालन व डेयरी विभाग मंत्री लखन पटेल ने कहा कि हम 6 जिलों में गौवंश को सड़कों से हटाने के लिए काम कर रहे हैं। 1 जुलाई से लेकर अब तक 4,370 गौवंश को गौशालाओं में भेजा है। भोपाल में डेंगू का प्रकोप बढ़ा, 200 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। भोपाल में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि डेंगू मरीजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। कारण मलेरिया और डेंगू वायरल बुखार को लेकर पूरे स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी और लापरवाही है। राजधानी में अब तक डेंगू के 201 मरीज मिल चुके हैं, वहीं एक की मौत भी हो चुकी है। डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया पीड़ितों के इलाज को लेकर स्वास्थ्य विभाग हर तरह का ढिंढोरा पीटता है कि यहां सर्वे किया जा रहा है, वहां फील्ड वर्कर भेजे गए, डेंजर जोन में रोजाना फॉगिंग की जा रही है। भोपाल में मुंबई और यूपी के यात्री को मिलेगा फायदा, अक्टूबर से नवंबर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। दीपावली और छठ त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान पश्चिम मध्य रेल से 4 स्पेशल ट्रेन गुजरेंगी। ऐसे में मुंबई और उत्तर प्रदेश जाने वाले हजारों यात्रियों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश में डेंगू फैलने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाया गया है कि नगरीय निकायों की लापरवाही के चलते राज्य में डेंगू तेजी से फैल रहा है। इस मामले में कोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। नीमच, मंदसौर, सिवनी के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीटें बढ़ी। प्रदेश के 3 नए मेडिकल कॉलेज नीमच, मंदसौर, सिवनी मेडिकल कॉलेज में अब 100-100 एमबीबीएस की सीटों पर दाखिले हो सकेंगे। राज्य सरकार की अपील पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 50-50 और सीटें बढ़ाने को मंजूरी दी है। अब 100-100 सीटों की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार का आभार माना है। बिजली उपभोक्ता उपाय ऐप के जरिए भी करा सकेंगे केवाईसी। विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के बैंकों की तर्ज पर शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई केवाईसी प्रक्रिया के तहत सीहोर में 6,923 से अधिक उपभोक्ताओं ने सफलतापूर्वक केवाईसी करा ली है। शिप्रा मैली न हो इसलिए सिंगा से पहले ही 1,622 करोड़ में साफ होगी कान सरस्वती। कान सरस्वती नदी के शुद्धिकरण पर अब चौतरफा ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तय किया है कि अब 4 अलग अलग प्रोजेक्ट में 1,622 करोड़ रुपए खर्च कर इन नदियों की सफाई की जाएगी। 2028 में सिंहस्थ है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि किसी भी स्थिति में कान सरस्वती का गंदा पानी शिप्रा में नहीं मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की खुशखबरी, महंगाई भत्ते में आज होगी 4% की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में आज सीएम डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने के बाद मुहर लगने की संभावना है। बताया जा रहा है कि आज सरकारी कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात मिल सकती है। बता दें कि मोहन सरकार ने मार्च के महीने में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। एमपी के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, 21 में तेज बारिश की आशंका। प्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने से लगभग सभी संभागों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में रात भर बारिश हुई। बरगी बांध के 11, तवा के 9 और हलाली के 5 और भोपाल के सभी डैमों के गेट खोले गए। मौसम विभाग ने 7 जिलों में रेड अलर्ट और 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवारी, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, रतनगढ़ में बिजली के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।